वेलकम टू माय ब्यूटी नेचुरली। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो इसमें सबसे पहले मैं एलोवेरा जेल लगाऊंगी, अपने पूरे फेस पे लगा सकते हो एज अ प्राइमर। इससे फेस पे जो आपका मेकअप है लंबे टाइम तक टिका रहेगा। अगर आपको पूरे फेस पे नहीं लगाना तो सिर्फ आईज पे भी लगा सकते हो, क्योंकि हमने जो मेकअप करना है वो पूरा दिन टिका रहे, इसलिए मैं इस वक्त सिर्फ आईज पे लगा रही हूँ और पूरे फेस पे हल्का हल्का डैब कर रही हूँ लास्ट में जो बचा है एलोवेरा जेल मेरे हाथ में वो वाला। अगर आपके पास प्राइमर है तो आप प्राइमर भी लगा सकते हो। सो ये हमने पूरा लगा लिया है। जैसे ये है मेरे पास प्राइमर, मिस क्लियर का प्राइमर है। अगर मुझे पार्टी में जाना होता तो मैं दोनों में से कोई भी लगा सकती हूँ, एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं और प्राइमर भी। ये है फाउंडेशन, मेरी मूज है ये लैक्मे एब्सोल्यूट की। ये अपने स्किन कलर के अकॉर्डिंग दीजिएगा, मेरे लिए आइवरी फेयर यानी कि 01 नंबर चलता है। सो इसको ब्रश की हेल्प से अगर आप अपने आईज़ पे लगाओगे, हमने एज अ प्राइमर अभी इस वक्त एलोवेरा जेल को लगा लिया है, उसके ऊपर पूरा मेकअप जो भी हम करेंगे वो टिका रहेगा। इसको हम अपने आईज़ के ऊपर अब लगाएंगे तो हमारे आईज़ पे जैसे कंसीलर होता है उसी का काम करेगी ये, और लंबे समय तक हमारा पूरा मेकअप टिका रहेगा। अगर आपके पास ये वाली नहीं है, कोई और फाउंडेशन है तो उसको भी अगर आप ब्रश के हिसाब से लगाएंगे, ब्रश की हेल्प से जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे, फिर वो भी आपका बेस बन जाएगा। आईज़ पे अच्छे से लगा लेना ताकि जो भी हम मेकअप करें वो वैसा ही दिखे जैसा हम दिखाना चाहते हैं। अब हम ये ब्रश लेंगे, इसमें फिर अब हम ये वाला शेड लेंगे, ब्राउनिश शेड। जो भी आपके पास पैलेट है उसमें थोड़ा सा भी ब्राउन शेड है तो आप वो ले लीजिए। अब हम क्रीज बनाएंगे, इस तरीके से अपने आईज़ में क्रीज बनानी है और ये वाली शेप देनी है जैसे मैं दे रही हूँ। अगर आपको नहीं पता चलता तो इस ब्रश को अपनी आई में ऐसे ये वाली साइड पर डाल के देखना, जहाँ पर खड्डा दिखाई देगा वहाँ पर आपको क्रीज बनानी होगी और इस तरीके से ट्रायंगल टाइप शेप दे देना। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. अब हम ये लेंगे, ये पिंकिश शेड है, थोड़ा डार्क पिंक है। अगर आपको किसी शादी वगैरह पे जाना है, हैवी मेकअप करना है रात के टाइम पे, तो अब इससे भी उस ब्राउन के बाद इसको उसी ब्राउन के हल्का सा नीचे की साइड पे अंदर अंदर लगाना है, हाफ आई पे लगाना है ये, आधी आईज पे। सेम वैसे ही आपको यहाँ पे भी इसी की भी क्रीज देनी है, इससे बहुत ही अच्छा ड्रामेटिक लुक मिलेगा। अब ये दो टाइप के गोल्डन कलर के आती हैं, स्पार्कल है ये चमकने वाली और ये सिंपल गोल्डन कलर का शिमर है। आप ये फिंगर से लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर आपको लगेगा कि ये उतर ना जाए तो, इसलिए इससे पहले भी आप जो एरिया हमारा नहीं है, मतलब कि जिसमें अभी हमने नहीं लगाया कुछ भी, वहाँ पर आप एलोवेरा जेल हल्की सी लगा लेना, उसके बाद फिंगर से ऐसे डैब करेंगे। ये फिंगर से डैब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप फिंगर से लगाओगे ये लंबे टाइम तक टिका रहेगा, अगर आप ब्रश से लगाओगे तो वो जल्दी से उतर जाएगा। तो ऐसे पहले हम शिमर लगाएंगे गोल्डन कलर का। अगर आपको इतना ही रखना है, ज़्यादा शाइनी नहीं करना, तो आपका आप गोल्डन कलर का शिमर लगाकर ये मेकअप इतना रेडी है। लेकिन अगर आप रात की शादी पे जा रहे हो तो ये वाला जो चमकीले वाला है स्पार्कल वाला, इसको भी अपने फिंगर पे हल्का सा लेना, ऐसे उतार के उसके ऊपर ऊपर लगाएंगे तो ये उसके ऊपर टिका रहेगा। ये आगे वाले एरिया पर ऐसे लगा रही हूँ तो आप देखेंगे ये बहुत ही प्यारा लगेगा, बिल्कुल ब्राइडल वालों की तरह ही लगेगा ब्राइडल। अब हम लेंगे आईलाइनर, ये मेरा है हाईटेक का आईलाइनर, इसको हम लगाएंगे। मैंने एक आई पे लगा लिया है, दूसरी आई पे लगा रही हूँ, बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट होंगे और लगा लेंगे, फिर इसका विंग बनाएंगे।
इस तरह से जब हम लगाते हैं तो लास्ट में जो विंग होता है उसके अंदर खाली जगह को फिर इस तरीके से भर देते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, अब ये मेरा है काजल, ये लैक्मे का आइकॉनिक काजल मैंने लिया है। ये ज़्यादा लंबे टाइम तक टिका रहता है इसलिए मैं ये लगाती हूँ, और ये आइज़ के नीचे नीचे लगाती हूँ मैं। आप जैसे भी अपना काजल लगाते हैं वैसे लगा सकते हैं, बट ये विंग आईलाइनर के साथ ये वाला काजल थोड़ा सा बाहर की तरफ लगता है, बिल्कुल आइज़ के अंदर नहीं लगता, और उस विंग के साथ इसको मैच कर देंगे लास्ट में। ये पार्ट ऑप्शनल है, अगर आपके पास गोल्डन आईलाइनर है तो आप इसके ऊपर गोल्डन आईलाइनर लगाएंगे, जो हमने ब्लैक वाला आईलाइनर लगाया था उसके ऊपर लगाएंगे, मतलब कि उसके एकदम ऊपर नहीं लगाएंगे, उससे थोड़ा सा ऊपर वाली स्पेस पे, ब्लैक के ऊपर नहीं लगाना, उसके ऊपर वाली आईलिड पे लगाना है ऐसे, ताकि जो हमारा ब्लैक है वो भी दिखाई दे और ये गोल्डन भी दिखाई दे। इससे क्या होता है, हमारी आईज और बड़ी लगती है और ये गोल्डन शेड बिल्कुल ड्रामेटिक लुक देगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर हम बिल्कुल ब्लैक वाला नहीं लगाते, सीधा यही लगा लेते हैं, तो उससे हमारी आईज छोटी छोटी लगती हैं। ये एक ट्रिक है अपनी आईज को बड़ा और सुंदर दिखाने का। अब हम पैलेट लेंगे और इसमें से वाइट कलर लेंगे। वाइट कलर आपके आईब्रोज को यहाँ पे लगाना है, ताकि जो हम फोटोज़ क्लिक होंगी उसमें हमारी आईज बहुत ही प्यारी लगे और ये खुली खुली दिखेंगी हमारी आईज। सारे शेड्स इसमें अब दिखाई देंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर लगाना है ये आईब्रोज के बिल्कुल नीचे, और इधर हल्का सा आप लगा सकते हैं वाइट। ये पार्ट भी ऑप्शनल है, अगर आपको कंटोरिंग करनी है तो ये वाला जो पार्ट है ऐसे अपने चीक एरिया को बनाकर यहाँ पे ब्राउन कलर लगाकर बिल्कुल इसको स्मच कर लेना, कंटोरिंग के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपकी चीक बोन उठी उठी लगे, जैसे कि यहाँ से अगर जब हम हंसते हैं तो ऊपर लगती है खिली खिली, तो ये कंटोरिंग की वजह से और इसके ऊपर जो हाइलाइटर लगाते हैं उसकी वजह से होती है। इसके बाद हाइलाइटर लगाना भी ज़रूरी है। अब ये हाइलाइटर के लिए यही मैं शिमर लूँगी गोल्डन वाला, और हल्के हाथों से ऐसे यहाँ पर लगा दूँगी और फिर रब कर देंगे, फिंगर से ही लगाएंगे ताकि ये अच्छे से लग जाए, क्योंकि शिमर जो है अगर हम फिंगर से लगाते हैं तो हमारे फिंगर में मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा लंबे टाइम तक टिका रहता है। ब्रश से लगाएंगे तो वो उतर जाएगा और फैल भी सकता है आईब्रोज़ के ऊपर ऊपर, नोज़ की बिल्कुल टिप पे, और यहाँ पे अगर आपकी स्किन के डार्क है तो वहाँ पे भी शिमर लगा सकते हैं। अब हमारा फुल मेकअप हो गया है, अब हम ये लेंगे, ये है कैमलियन का लूज पाउडर जो होता है वो है, ये एक्चुअली कैमलियन का ब्राउज़र है मेरे पास। इसकी जगह अगर आपके पास ट्रांसलूसेंट पाउडर है वो भी लगा सकते हो। अब लिपस्टिक के लिए सबसे पहले आप लिप लाइनर लगाओगे हमेशा, जो भी आपने ड्रेस पहनी है उसके हिसाब से लिपस्टिक लगा सकते हो। लिप लाइनर को अंदर तक फिल करेंगे उसके बाद ही लिपस्टिक लगाएंगे। ये मैं पिंक लगा रही हूँ। लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ लैक्मे की एनरिच सैटिन 149 नंबर है। बिल्कुल अच्छे से फिल कर लेंगे लिपस्टिक को, और यस हमारा लुक रेडी है। आप देखकर मुझे ज़रूर प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा।